आप देख रहे हैं नंबर वन सूत्रा जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी तिवारी। छत्तीसगढ़ में राजनीति का अंदाज अब बदल गया है। यहां अब राजनीति भावनाओं को उकेर कर नहीं बल्कि खुरीद कर की जा रही है। मामला प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के उस वादे से जुड़ा है जो सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था, लेकिन सरकार में आने के 18 महीने बाद भी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की कोई सुगवाहट नहीं है। वहीं अब जब रक्षाबंधन करीब है तो ऐसे में बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने बंधन के बहाने भूपेश सरकार पर वार किया है। सरोज पांडे ने वक्त की नजाकत को समझते हुए बड़ा सियासी दाव चला है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राखी भेजी और शराब की वजह से घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों का जिक्र कर शराबबंदी के वादे को पूरा करने का उपहार मांग लिया। वहीं राजनीति के माहिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नहले पर दहला जैसे जवाब ट्वीट के जरिए भेज दिया। जनता मांगे जवाब में आज की पहली बहस इसी मुद्दे पर होगी। साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस को एक साथ दो बड़े झटके लगे। इसमें सबसे बड़ा झटका यह है कि उसके एक और विधायक ने हाथ का साथ छोड़ दिया है। खंडवा जिले के मांधाता विधानसभा सीट से विधायक नारायण पटेल ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा के प्रोटम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सौंपा, जिसे फौरन स्वीकार भी कर लिया गया। वहीं आज ही बीजेपी सरकार में मंत्री रहे केएल अग्रवाल कांग्रेस में शामिल हुए। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के नहले पर बीजेपी का दहला है। हालांकि जिसके लिए पूरी कवायद हो रही है वो है उपचुनाव, जो अब टल गए। दरअसल कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा उपचुनाव भी टाल दिए, और ये तब तक नहीं होंगे जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। हालांकि इस संबंध में कल यानी 24 जुलाई को इलेक्शन कमीशन की एक और मीटिंग होगी, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। हालांकि सवाल जरूर उठ रहा है, हालात सामान्य नहीं होने पर उपचुनाव और कितने दिन टाले जाएंगे, और एक के बाद एक झटके झेलने वाली कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए और कितना इंतजार करना होगा। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या उपचुनाव होते होते सीटों की संख्या 27 से और भी आगे जाएगी, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं, जहां बंधन के बहाने वार चल रहा है। तो बीजेपी से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भावुक आग्रह किया है कि अगर वो रक्षाबंधन के मौके पर पूर्ण शराबबंदी जैसा कदम उठाएंगे तो छत्तीसगढ़ की लाखों महिलाओं, युवतियों और बच्चों के हित में बड़ा फैसला होगा। सरोज पांडे ने मुख्यमंत्री को भेजे अपने पत्र में लिखा है कि आपकी यह बहन आपको याद दिलाती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का राजधर्म जनता से किए गए वादे को पूरा करना है। सरोज पांडे की इस पत्र को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी जवाब दिया है, जिसके बाद सवालों के घेरे में खुद बीजेपी आ गई। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर जारी सियासत टकराव के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद सरोज पांडे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राखी भेजी है। राखी के साथ भेजी गई चिट्ठी में उन्होंने शराबबंदी का वादा याद दिलाते हुए उपहार स्वरूप राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग की है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मुख्यमंत्री को भेजी चिट्ठी में तमाम भावुक बातों को साथ लिखा है कि आपने अध्यक्ष पद पर रहते हुए छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से वादा किया था कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू होगी। बहनों ने आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, आप पर पूरा विश्वास जताया, जिससे फलस्वरूप आप मुख्यमंत्री पर आसीन हुए। वहीं अब आपकी ये बहन आपको याद दिलाती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का राजधर्म जनता के किए वादे को पूरा करना है। चिट्ठी के आखिर में सरोज पांडे ने लिखा है, प्रदेश के लाखों बहनों के साथ मैं अपने उपहार का इंतजार कर रही हूँ। सरोज पांडे की चिट्ठी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सियासी जवाब भेजा। ट्वीट के जरिए दिए गए अपने जवाब में उन्होंने कहा कि बहन सरोज पांडे जी, आज आपका भाई भूपेश आपसे वादा कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होकर रहेगी। इसके साथ ही सीएम भूपेश ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भी निशाना साधा।
इतना ही नहीं, कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा कई वादे पूरे नहीं किए जाने पर सरोज पांडे से सवाल किया कि उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को राखी क्यों नहीं भेजी। राखी के अवसर पर बहन सरोज पांडे यह भी बता दें कि उन्होंने अपने भाई अमित शाह और अपने भाई नरेंद्र मोदी को वादे क्यों नहीं याद दिलाए। बहरहाल छत्तीसगढ़ में अब बंधन के बहाने वार हो रहा है। वैसे राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने जो सियासी दाव चला है वो घूमकर पिछली सरकार के कामकाज से लेकर केंद्र सरकार तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब बीजेपी इससे खुद को कैसे बाहर निकालेगी देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो बंधन के बहाने वार आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ के संपादक जी नमस्कार त्रिपाठी जी नमस्कार। छत्तीसगढ़ के संपादक हमारे मनोज बघेल जी भी हैं और हमारे स्टेट हेड अनिल सिंह कुशवाहा भी हमारे साथ हैं। आप लोगों का स्वागत है। पहले सिंह साहब देखिए सुंदरानी जी इस बात के गवाह हैं, बरलानी जी बैठे थे, हम उनको जानते हैं जब वो चेयरमैन और सबकी सूची जारी हो रही थी तो मेरी निगाहें उस पर टिकी थी कि आरपी सिंह जी का नाम कहाँ है, वो नहीं मिला। मुझे दुख हुआ, मैंने कहा भी था सुंदरानी जी बताएंगे कि हमारे आरपी सिंह जी बरलानी जी इनका नाम क्यों नहीं है। भाई लड़ तो ये रहे हैं, इसके पहले बीजेपी सरकार में लड़ते ये थे और जो नाम मैंने देखे वो पता नहीं और उनको मैं नहीं जानता उनके थे। तो मुझे बड़ा दुख है लेकिन मुझे शुभकामनाएं भी हैं कि जल्दी ही हम आपको किसी पद में सुशोभित रहते हुए विपक्ष से लड़ते हुए देखेंगे। निश्चित रूप से आरपी सिंह जी त्रिपाठी जी और हम सबकी भावना जी आप शीघ्र चेयरमैन बने, कोई निगम मंडल संभालें, यह हमारी शुभकामना। लेकिन सिंह साहब क्या कहते हैं? धन्यवाद सिंह साहब। एक थोड़ा सा क्योंकि आप बंधे हैं इसलिए कुछ कह नहीं सकते जरूर कि समुद्र अपनी बेबसी किसी से कह नहीं सकता, फैला है हजारों मील लेकिन बह नहीं सकता। सिंह साहब खैर छोड़िए, बड़े अच्छी बहन सरोज पांडे जी ने पत्र लिखा है अपने मुख्यमंत्री भाई को, हालांकि आपने जो वादा किया था उस वादे के अनुसार ही उन्होंने पत्र लिखा है, तो इसमें दाएं बाएं करने की क्या जरूरत थी कि प्रधानमंत्री को क्यों नहीं लिखा, आपने भाई रमन सिंह जी को क्यों नहीं लिखा? ये जो उन्होंने पत्र लिखा है, बहन उपहार मांग रही है, कब तक उनको उपहार दे देंगे आप? देखिए सबसे पहले तो बहन सरोज पांडे जी को मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी और सब अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ जी, क्योंकि मुझे याद नहीं आता कि पिछले 15 वर्षों के रमन सिंह के कार्यकाल में कोई वादा निभाने का आग्रह उन्होंने राखी और पत्र भेजकर उनसे किया हो। मुझे याद नहीं आता कि पिछले 15 वर्ष यहाँ बीजेपी संगठन के प्रभारी रहे आदरणीय सौदान सिंह जी को अपना भाई मानते हुए कोई पत्र लिखकर किसी वादे को पूरा करने का आग्रह उन्होंने किया हो। मुझे याद नहीं आता कि पिछले 6 वर्षों में केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को अपना भाई मानते हुए कोई पत्र उन्होंने लिखा हो, अमित शाह जी को अपना भाई मानते हुए कोई पत्र उन्होंने लिखा हो, और यहाँ तक के त्रिपाठी जी भाजपा शासित किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को उन्होंने कोई पत्र लिखा हो मुझे याद नहीं आता। लेकिन उन्होंने कोई सिंह साहब कुछ सिंह साहब सिंह साहब सिंह साहब सिंह साहब एक बहन के कई भाई होते हैं, कुछ कुछ बहन कुछ भाइयों को ज्यादा प्यार करती है, कुछ भाइयों को उतना प्यार नहीं करती है। अभी वर्तमान में जिस भाई को पत्र लिखा उनको ज्यादा प्यार करती है, उनको मालूम है कि उपहार दे सकते हैं, सब भाई नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप इस पे क्यों जा रहे हैं कि उनको क्यों नहीं लिखा? अरे अपने एक भाई जिसको सब ज्यादा प्यार कर रही है उनको पत्र लिख दिया। त्रिपाठी जी मैं आपके मूल प्रश्न पे जा रहा हूँ जो आपने अभी पूछा है जी। देखिए विधानसभा चुनाव में जाने से पहले त्रिपाठी जी आपको याद होगा हमने नारा दिया था जी, भूपेश है तो भरोसा है जी, और उस नारे पर ही प्रदेश की 3 करोड़ जनता ने विश्वास किया था और अपना मत में प्रदान किया था। इसके बाद हम 3/4 बहुमत से जीत गए जी। बहन सरोज पांडे जी का पत्र भी हमारे उसी नारे पर मुहर लगाता है और ये बताता है कि बहन सरोज पांडे को किसी में भरोसा है। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में तो वो भूपेश बघेल जी के ऊपर है जी। बाकी जितने बीजेपी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं,
सब निकम्मे और नकारा हैं, उनको तो भरोसा नहीं कर सकती। इस भरोसे के लिए फिर सबको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, तो उपहार कब तक मिल जाएगा बहन को? बहुत जल्द। देखिए, हमारी सरकार 5 साल के लिए आई है पाटी जी, अभी मात्र हमारी सरकार के कार्यकाल को 18 महीने पूरे हुए। जी, घोषणा पत्र आपने देखा होगा, 36 उसमें प्रमुख हमारे वादे थे, 36 में से 22 वादे हम पूरे कर चुके हैं। जी, 14 जो वादे हैं उसकी तरफ बहुत तेजी से हम अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके ट्वीट पर भी आपने देखा, अपना ट्वीट करके जवाब दिया है, एक पत्र उन्होंने लिखा है, और छोटी बहन को उपहार स्वरूप कुछ पैसे नगद एक साड़ी आज उन्होंने भिजवाई है। जी, ये बताता है कि अगर वो एक भाई के समान उन्हें सम्मान करती हैं, उन्हें प्रेम करती हैं, तो मुख्यमंत्री जी भी उनको छोटी बहन के समान सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं और उनके राखी का सम्मान करते हैं। साड़ी और पैसे से कुछ नहीं होता सिंह साहब, लगता है बहन को अगले रक्षाबंधन में फिर से यही उपहार मांगने की गुजारिश करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। देखिए त्रिपाठी जी, अगर उस पत्र को आप पढ़ेंगे जी, उस पत्र में एक लाइन है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, जो आपके दर्शकों को जिन्होंने पत्र नहीं पढ़ा है जी, उसमें बहन सरोज पांडे जी ने लिखा है कि लॉकडाउन के बाद जब शराब की दुकानें खुली जी, तो लोग शराब पीकर आते थे और अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नियों से मारपीट करते हैं, जिससे बच्चों की मनोदशा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये पत्र साफ बताता है कि हमारी सरकार आने से पहले जब रमन सिंह की सरकार 15 साल थी जी, और जब आदमी बाहर से शराब पी के आता था तो वो शराब के नशे में पत्नी को मारता नहीं था बल्कि प्यार करता था जी, तो हमारी शराब में खराबी है, रमन सिंह की शराब में अच्छाई थी, ऐसा उनके पत्र से मुझे प्रतीत होता है। दूसरा, शराबबंदी को लेकर उनके मन में कोई आग्रह होता तो बेहतर होता कि एक पत्र अपने बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी को लिख देती कि एक अध्यादेश लेके आइए, जब इस देश में भू अधिग्रहण के लिए 3-3 अध्यादेश आ सकते हैं तो शराबबंदी के लिए क्यों नहीं, आप अध्यादेश लाइए, पूरे देश में एक साथ बंद कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और वैसे भी हिंदुस्तान के जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां पर या तो कांग्रेस फैसले में शामिल रही है या कांग्रेस ने ही शराबबंदी का फैसला किया है। बीजेपी शासित किसी राज्य में कभी कोई शराबबंदी मुझे तो याद नहीं आता, यहाँ तक कि गुजरात में भी हम आपके माध्यम से समाचार के माध्यम से जानते हैं कि लगभग 20-25 हजार करोड़ रुपए की अवैध शराब वहाँ हर साल बिक जाती है। तो बहन सरोज पांडे का जो पत्र है उसमें शराबबंदी का आग्रह कम है, राजनीति का ज्यादा है, क्योंकि राजनीति के विश्वास पर पिटे हुए लोग किसी न किसी प्रकार से अपने आप को मीडिया के माध्यम से चर्चा में बने रखने के प्रयास करते हैं। इनके एक पूर्व मंत्री आपको याद होगा ट्वीट करते हैं और राज के राजकीय प्रतीक चिन्ह की तुलना गोबर से करते हैं। अब उनकी मानसिकता पर नमन करता हूँ। डॉक्टर रमन सिंह जी, अभी बहन की और भाई की बात कर लें, भाइयों दूसरे भाइयों की बात ना करें, बहन और भाई की बात कर लें। आपने उसे याद बताया, मैं थोड़ा सा अपने स्मरण जो शक्ति है उसको थोड़ा सा कुरेदते हुए, आपने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी सरकार ने कहीं शराबबंदी की हो, आपको याद दिला देते हैं, तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, हरियाणा में सरकार बनी थी 93-94 के आसपास बीजेपी की, तब पूरी तरह से शराबबंदी की गई थी और यहाँ तक ये स्थिति हो गई थी, हालांकि उसमें परेशानी हुई थी कि जो भोपाल से दिल्ली के लोग निकलते थे दिल्ली जाने के लिए तो ट्रेन में चढ़ चढ़ के हरियाणा के जो पुलिस के जवान होते थे उनके पूरे सामान बिखेर करके चेकिंग करते थे, लेकिन की थी, ये मैं आपको याद दिलाता हूँ, हरियाणा में सरकार बीजेपी की बनी थी उस समय। सुंदरानी जी, निश्चित तौर पे अपने बिहार में की, बिहार में की जी, बिहार में तो वो नीतीश कुमार जी ने किया है, उनको आप अपना बीजेपी का भी मत बताइए, बीजेपी को बाय बाय कह चुके थे, अब गठबंधन में है, बीजेपी के अंडर में नहीं, गठबंधन में है। जब शराबबंदी का फैसला हुआ था तब कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार, हरियाणा की शराबबंदी एक साल से ऊपर नहीं चली थी, तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, चली थी, नहीं चली थी, लेकिन की थी एक साल से ऊपर नहीं चला था शराबबंदी जी, मुझे जहाँ तक याद आ रही है जी, वो शराबबंदी ओम प्रकाश चौटाला के समय हुई थी, जिन्होंने अपना खुद का दल बनाया था, बीजेपी की सरकार आई थी, मैं याद इसके अच्छे से कर पा रहा हूँ। नहीं, आप फिर से दुरुस्त कर लीजिए, बीजेपी साथ में थी दुरुस्त कर लीजिए। हाँ, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, बीजेपी साथ रही होगी, ये फैसला बीजेपी का नहीं था, चौटाला जी का था, मुझे इसलिए याद है कि उस दौरान मैं वही सेवारत था और मेरी पोस्टिंग चरखी दादरी नामक जिले में हुआ करती थी। एक्साइज मिनिस्टर बीजेपी के थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उन्होंने। चलिए सुंदरानी जी, सरोज जी को बहुत अच्छा उन्होंने उपहार मांगा, बहुत अच्छा उन्होंने राखी भेजी, लेकिन
अगर वो कांग्रेस में है तो यहाँ सगे भाई और सौतेले भाई की बात आ रही, सगे भाई पे उनको उतना भरोसा नहीं रहा क्या 15 साल जो उन्होंने उपहार नहीं मांगा? देखिए 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी ने कभी भी शराबबंदी की बात नहीं की थी। आदरणीय सरोज पांडे जी ने एक कच्चे धागे का पवित्र रिश्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से पक्के रिश्ते की बात की है जी। और उपहार में उन्होंने शराबबंदी मांगी है और शराबबंदी भूपेश बघेल जी का एजेंडा था। उन्होंने संकल्प पत्र या घोषणा पत्र में चुनाव के पूर्व वादा किया था जी। आज उन्होंने जो कारण बताए हैं, हिंसा हो रही बच्चों का महिलाओं का, तो निश्चित रूप से एक उपहार स्वरूप एक छोटी बहन अब अपने बड़े भाई से राखी का एक गिफ्ट मांग रही है, एक पुरस्कार मांग रही है जी। तो दिक्कत क्या है भूपेश बघेल जी को? वादा पूरा करना है। और ये कब तक बात करेंगे? 5 साल की, 5 साल की सरकार है बोलते हैं, 1.5 साल हुआ है, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रहे, ये वादे पूरे करने की बात करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पूरा हाफ कर पाए, बिजली का बिल पूरा हाफ नहीं कर पाए, और बार बार बात करते हैं 24 वादे पूरे किए, 22 वादे पूरे किए। अरे आंशिक रूप से किसानों के कर्ज के अलावा और क्या इन्होंने वादा पूरा किया? जहां तक शराबबंदी की बात है, आदरणीय सरोज पांडे जी ने इनसे निवेदन किया है, एक प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं की है, माताओं की है, बेटियों की है, उसके लिए मांगा है इन्होंने। सुंदरानी साहब, तो भाई को बड़ा दिल बताते हुए दे देना। वही तो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ कि क्या उनको अपने सगे भाई पे भरोसा नहीं था कि 15 साल तक उनकी आत्मा जागृत नहीं हुई कि हम अपने भाई से उपहार मांग ले? उस समय आधी आबादी परेशान थी, बच्चे परेशान थे, जो पत्र में लिखा है। तो मतलब ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का अंतर कलह जो है वो उजागर हो रहा सीधे सीधे कि भूपेश जी से मांग रहे, रमन सिंह जी से नहीं मांगा। त्रिपाठी जी इसमें कहां से अंतर्कलह की बात आ गई? आदरणीय सरोज पांडे जी दुर्ग जिले के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी दुर्ग जिले के हैं, वो उनको बड़ा भाई मानती है, बड़ा भाई मानकर उन्होंने उनसे आग्रह किया है, उनसे भेंट मांगी है, जनता के हित में, कोई खुद के लिए नहीं मांगी। अगर इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है तो रमन सिंह जी को अपना नेता मानती थी क्या? चलिए रमन सिंह कवर्धा के हैं, नहीं मानते भाई, तो क्या नेता मानती थी? बिल्कुल नेता भी मानती थी, भाई भी मानती थी। बहुत सारी योजनाएं जो डॉक्टर रमन सिंह जी के शासन में बनी, गरीबों के हितकारी योजनाएं बनी, उसमें कहीं ना कहीं सरोज पांडे जी का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, वो साथ रही, उन्होंने योजना बनाने में, गरीबों के हित में काम करने में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ काम किया है। चलिए, लेकिन उपहार तो देना चाहिए मुझे। मैं सिंह साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्या अगले या उसके अगले उपहार देना चाहिए? उपहार तो देना चाहिए। देखिए, साड़ी और ये सब इतने बड़े लेवल पे, सांसद उधर, मुख्यमंत्री, इस लेवल पे साड़ी हमारे और आपके नहीं, मेरे लेवल पे है कि साड़ी और पैसा भिजवा सके। आपका लेवल अब बड़ा हो गया थोड़ा सा, पहले सरकार आपकी है, लेकिन साड़ी और ये पैसे तो कम से कम मत कहिए। यहाँ वादा मांगा जाता है, वादा निभाओ। हर भाई अपनी बहन की रक्षा नहीं करता है, एकाध बहन को मालूम होता है कि ये भाई मेरी रक्षा कर सकता है, इसलिए। तो मैं सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या अगले रक्षाबंधन में फिर से ये राखी बांध के ये उपहार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, त्रिपाठी जी, एक बात श्रीचंद जी ने कही कि दुर्ग जिले से भूपेश बघेल जी आते हैं जी, दुर्ग जिले से बहन सरोज पांडे आती है, इसलिए उनको अपना भाई मांगती है जी। मैं पिछले 20 वर्षों से भूपेश बघेल जी के साथ राजनीति में सक्रिय हूँ, मुझे तो याद नहीं आता पिछले 20 वर्षों में कभी उन्होंने उनको राखी बांधी हो, राखी भेजी या पत्र लिखा हो। हो सकता है मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ लोग किसी के भाई बन जाते हो। अगर ये फार्मूले में भी हम बात करें तो पिछले वर्ष भी भूपेश बघेल जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, तब उनका कोई पत्र आया हो, उनकी राखी आई, मुझे तो याद नहीं आता। तो सब मिलाकर बड़े दुख के साथ त्रिपाठी ये कहना पड़ता है कि राजनीति अपनी जगह होनी चाहिए। हम राजनीतिक दल है, आप भी राजनीतिक दल कीजिए, लेकिन राखी जैसे पवित्र जी, पवित्र रिश्ते को, भाई बहन के पवित्र रिश्ते को
हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहार को राजनीति के तौर पर गंदा मत कीजिए, घिनौना मत कीजिए। आप कैसे हिंदू हैं? अपने धर्म में भी राजनीति, अपने त्योहार में भी राजनीति, भाई बहन के पवित्र रिश्ते में राजनीति। अरे आप राखी बांधी, आप छोटी बहन है, हम सब आपको बहन मानते हैं, स्वागत करते, सम्मान करते हैं। तो रहा बहन उपहार नहीं मांगे क्या? बहन उपहार नहीं मांगे? ऐसी मिश्र राजनीति, ऐसी मिश्र राजनीति। आपने अपने राजनीतिकियों ने पहले पत्र लिखा, इसके पहले पत्र लिखे हो, इसके पहले राखी बांधा आपने। अरे आपकी मंशा क्या है, मैं बताता हूँ आपको मंशा। त्रिपाठी साहब, मंशा ये है कि 15 साल की कमीशन खोरी और मोटी मलाई खाने के बाद ये चारों खान चित्त जमीन पर पड़े हुए हैं, पैरों के नीचे जमीन हिल गई है। हर आदमी न किसी बहाने से प्रासंगिक करना चाहता है इस राजनीति में, उसके बारे में चर्चा हो। आप सोचिए, अगर ये पत्र उन्होंने नहीं लिखा होता तो क्या इस चैनल पर बैठ के हम और आप उनके बारे में बात करते? उनको बस इतना ही चाहिए। राजनीतिक तौर पर मृत पाए पड़े हुए लोग मीडिया में चर्चा होने से ऑक्सीजन पाते हैं और अपने आप को जीवंत महसूस करते हैं। मैं फिर से आग्रह करूंगा, भाई बहन का प्यार पवित्र होना चाहिए, ये राजनीति से परे होना चाहिए। हम हो चाहे आप हो, सबकी मंशा ये होती है कि हम राज्य का भला करें। लेकिन ये कैसा रिश्ता कि रमन सिंह की शराब अच्छी थी, उनको इस बगल की शराब खराब हो गई है। लॉकडाउन के पहले जब रमन सिंह की सरकार थी तब शराबी जो शराब पी के आता था पत्नी को प्यार करता था, लॉकडाउन के बाद वाली शराब पी के आता है तो मारपीट करता है। अरे क्या कहना चाहती है? आधी आबादी में आप शामिल हैं, हम आपकी आवाज में आज मिलाते हैं। चलिए मोदी जी के पास एक पत्र लिखिए, पूरा देश में शराबबंदी ऐसा होनी चाहिए। हम खुद के खिलाफ है, हम गांधी जी की पार्टी के लोग हैं। और त्रिपाठी की सबसे बड़ी बात, हम 7 राज्यों से घिरे हुए हैं और इन 7 राज्यों में कहीं शराबबंदी नहीं है। अगर हमें शराबबंदी कर भी दी तो सोचिए क्या हाल होगा, मतलब नहीं होगी शराबबंदी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब शराबबंदी नहीं होगी, शराब की तस्करी करते पकड़ा है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, देखिए ये अपने वादों से पलट देने का काम कर रहे हैं और ये जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, तो भी हम शराबबंदी करके रहेंगे। अरे शराबबंदी करें न करें, बहन के आग्रह को तो स्वीकार करें, ठीक है शराबबंदी न करें। फिर आप वहीं चले जा रहे हैं कि मोदी जी, अरे सबसे प्रिय भाई उनके, अरे अभी आप चेयरमैन बनने तो दीजिए आपको, आपकी बहुत सारी बहनें राखी बांधने आ जाएंगी। तो ये मुख्यमंत्री बन गए राखी बांध दी, तो क्या आप उसको बहन नहीं मानेंगे क्या? भूपेश जी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने बहन माना और वो भाई मान गए। बिल्कुल, देखिए यही तो एक मुख्यमंत्री को शराबबंदी करनी नहीं है, इनको शराबबंदी नहीं करनी है। ये बहाने खोजते हैं, ये जवाब देने के बजाय मोदी जी तक पहुंच जाते हैं। इस विश्वास के लिए उन्हें फिर से प्रणाम करता हूं। चलिए मनोज जी, क्या राजनीति में गुल खिलाएगी, कहाँ तक पहुंची जाए? हालांकि सरोज जी पिछले 2-3 महीने में कई बार ऐसे, कभी सरकार गिरा देती है, कभी कुछ और कह देती है, अभी नई चीज उन्होंने सुगुपा छोड़ दिया है। बात यहाँ ये उठने लगी है कि सौतेले भाई और सगे भाई, मैंने सरोज जी लगता है अपने सगे भाई भूपेश जी को मानते हैं, रमन जी को सौतेला भाई मान लिया, इसलिए 15 साल तक उन्होंने आग्रह नहीं किया। क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए सर, बिल्कुल जो है कांग्रेस बार बार सुबह से लेकर अभी तक करीब करीब 8 अलग अलग प्रवक्ता और सांसद, 2 सांसदों की प्रतिक्रिया इस पे आ गई है, इसके अलावा 6 प्रवक्ताओं की विज्ञप्ति आ गई है और सभी के सभी जो है वो सरोज पांडे के खिलाफ आक्रामक है। और सबका यही कहना है कि 15 साल में ये आवाज क्यों नहीं उठाई गई और अभी आवाज उठाने का क्या मतलब है? हालांकि भाजपा का तर्क ये है कि चूंकि इन्होंने शराबबंदी का वादा किया था और इस वादे को याद दिलाने के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उपहार मांगा है अपने भाई से जी। मुख्यमंत्री का भी इस संबंध में जवाब आया, सुबह एक अलग जवाब आया था, अभी साड़ी भेंट किया है, अभी 2 घंटे पहले उन्होंने साड़ी और पैसा भिजवाया है और ये कहा है कि हम जो है ये जो भी आपने उपहार मांगा है वो उपहार आपको देंगे और इस संबंध में हम काम कर रहे हैं, जो वादा हमने किया है उस वादे को हम पूरा करेंगे। हालांकि उसमें समय सीमा का जिक्र नहीं है कि कब करेंगे जी। इस संबंध में कुछ नेताओं से भी बात हुई, उनका कहना था कि सरकार इस दिशा में गंभीर है, कमेटियां बनाई गई है, 2-2 कमेटियां बनाई गई है, पॉलिटिकल कमेटी अलग है, गैर पॉलिटिकल कमेटी अलग है, वो कमेटी अध्ययन कर रही है। अभी कोरोना भी एक अच्छा बहाना मिल गया है कि 4 महीने से कोरोना चल रहा है, इसलिए पूरा फोकस जो है कोरोना के खिलाफ संघर्ष में है और इसलिए अभी जो कमेटियां हैं वो इस दिशा में काम नहीं कर रही हैं।
तर्क ये भी दिया जाता है कि आनंद फानंद में शराबबंदी लागू करने के दुष्परिणाम जो होते हैं उन सब की बातें की जाती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा सर कि सरोज पांडे पिछले करीब करीब दो तीन महीने से काफी सक्रिय है और इससे पहले उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी कि यहाँ भी हमने जो है राजा खोज लिया है और जो है सरकार कितने दिन चलेगी उस संबंध में एक सवाल उठाकर वो सुर्खियों में आई थी और अब की बार रक्षाबंधन पर राखी भेजकर और जो उपहार मांगा है उसको लेकर वो अभी सुर्खियों में है। मनोज जी आपने कहा 6 प्रवक्ता और 2 सांसद यानी मुख्यमंत्री जी की बहन पे 6-6 शब्द भेदी बाण चलाने वाले और 2 प्रमुख सेनापति प्रहार कर रहे हैं निशाने पे ले रहे हैं उसके बाद मुख्यमंत्री जी आगे नहीं आ रहे हैं उनको बचाने अपनी बहन को। बिल्कुल मुख्यमंत्री को भी 2-2 बार जवाब देना पड़ा। एक ट्वीट सुबह उन्होंने किया था और अभी एक शाम को जब साड़ी भेजा उसके बाद एक और ट्वीट किया उसमें भी उन्होंने रिपीट किया कि हम अपना वादा पूरा करेंगे लेकिन उन्होंने पूरा जो केंद्र सरकार ने वादे किए हैं उस संबंध में भी अपने पत्र में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए भी उनको भी आप राखी भेजिए और उनको भी ये सब वादे पूरे करने के लिए कहिए। तो आज पूरे के पूरे जो कांग्रेस के लोग हैं मुख्यमंत्री सहित सभी वो अटैकिंग मोड पे ही हैं। विजय सिंह साहब ये बात तो गलत है। देखिए मुख्यमंत्री जी की बहन है उसमें 6-6 योद्धाओं को इधर से छोड़ दिया। हम ये योद्धा मतलब जो शब्द भेदी बाढ़ चलाते हैं उनको छोड़ दिया 2 सांसदों को छोड़ दिया ऐसे में तो उनको कम से कम रक्षाबंधन के त्योहार पे मुख्यमंत्री को खुद अपनी बहन के बचाव के लिए आना चाहिए बोलना चाहिए अब नहीं कोई निशाने नहीं लगाएगा इसको उनपे बहन पे उनके। नहीं देखिए इतने देर से मैं आपसे के साथ बातचीत कर रहा हूँ मैंने कोई जान को आरोप नहीं लगाया उनके ऊपर हम सब उनका बड़ा आदर और सम्मान करते हैं जी। दरअसल त्रिपाठी जी इस पूरे मामले को समझने की आवश्यकता है जी कि ये पत्र लिखने की आवश्यकता उन्हें क्यों आन पड़ी जी। देखिए कोई माने या ना माने सच तो यही है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े नेता कौन है डॉक्टर रमन सिंह जी। नेता प्रतिपक्ष कौन है वो रमन सिंह का दाहिना हाथ यहाँ पीसीसी के अध्यक्ष कौन है उनके बाएं हाथ। तो 14 यहाँ जो विधायक हैं वो 14 अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं जिसमें सरोज पांडे जी का नंबर कहीं नहीं आता है वो बैठी हुई दिल्ली की राजनीति में। तो आप प्रदेश की राजनीति में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना है तो ऐसी हरकतें आपको लगातार करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ आपका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है ना प्रदेश की राजनीति में ना भाजपा की राजनीति में। तो अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए इस तरीके के शिकवे छोड़ती रहती हैं। शराबबंदी को लेकर अगर वो गंभीर रहती तो रमन सिंह की सरकार थी 15 साल में एक बार पत्र लिख देती हम मान जाते कि आप गंभीर हैं। मोदी जी 6 साल से प्रधानमंत्री हैं एक पत्र लिख देती हम मान जाते आप गंभीर हैं। तो ये सब दिखाता है कि आपको नफरत शराब से नहीं है आपको शराबबंदी से कोई मतलब भी नहीं है आपका मकसद बस एक है कि रमन सिंह के सामने अपने आप। अरे सिंह साहब रमन सिंह जी नहीं सुनते थे उनकी तो क्या करें उनको उम्मीद भूपेश जी से आई। रमन सिंह जी नहीं सुनते थे उम्मीद भूपेश जी से आई तो उन्होंने भूपेश से मांग कर दी तो इसको आप राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं। मैं राजनीति से इसे जोड़ रहा हूँ जो सच है वो आपको बता रहा हूँ जी। अगर भूपेश जी से मांग भी करनी थी तो एक साल पहले भी कर सकती थी आप जी। लेकिन भूपेश बघेल जी से मांग करके वो अपरस्त तौर पर ये बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की राजनीति है उसमें रमन सिंह के सामने कहीं ना कहीं खड़ी है। अब वो बीजेपी के लोग बताएंगे भाई साहब सुधानी जी बताएंगे सच्चाई क्या है सच्चाई नहीं है क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक जो अलग अलग गुट है उसमें भी सरोज पांडे जी का गुट बड़ा कमजोर है रमन सिंह का गुट बड़ा मजबूत है। तो दरअसल ये आपस की लड़ाई है। चलो सुनियारी साहब समय कम है बात भी सही क्या पार्टी में कोई अनुशासन सब समाप्त हो गया है। भाई जब भी बीजेपी में कम से कम मैंने देखा है कि जिस लाइन पे भी चलना है तो या तो प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष उस लाइन पे बार करता है। कभी सरोज जी बोल देती है कि सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है सिंधिया जी ढूंढ लेती है कभी और कहती है अभी फिर से शराबबंदी का मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया। तो भाई एक लाइन पे माने क्या सरोज जी अकेला चल रही है क्या बाकी सब अलग है। ये तो ये बात सिद्ध करता है सिंह साहब के जैसा बोल रहे कि कई गुटों में बटी है। एक बात करती नेता प्रतिपक्ष मांग करते फिर से रक्षाबंधन के मौके पे न सही और मौके पे अध्यक्ष साहब के मांग करते लेकिन सरोज जी अलग चल रही है। बिल्कुल अलग नहीं चल रही सरोज जी। सरोज जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं और सरोज जी बहुत बड़ी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री पूरी पार्टी आज सरोज जी के पीछे खड़ी है।
राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश इकाई से समन्वय नहीं बना पूरी पार्टी प्रदेश इकाई त्रिपाठी जी पूरी पार्टी मैंने कहा ना कि सरोज जी के पीछे खड़ी है जी और सरोज जी ने अगर एक बहन के रूप में पत्र लिखकर शराबबंदी की बात की है तो ये मुद्दे से भटकाने के लिए बार बार त्रिपाठी देखिए मैं चुपचाप सुन रहा था मैं चुपचाप सुन रहा था जी 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 सिंह साहब सुंदरानी जी की बात आने दीजिए प्लीज देखिए जी आरपी सिंह साहब हो या भूपेश बघेल जी हो जी, या कांग्रेस का कोई भी नेता हो जी, ये शराबबंदी के पक्ष में है ही नहीं जी, ये सिर्फ धोखा देना चाहते हैं ये धोखा देकर जनता को सरकार बनाए हैं और आगे भी धोखा देते रहेंगे आप ये कभी शराबबंदी नहीं करेंगे सुनानी साहब आप पक्ष में हैं शराबबंदी के हाँ मैं हूँ मैं निश्चित रूप से हूँ 100% हूँ ये 15 साल बाद पक्ष में आए 15 साल पहले क्यों पक्ष में नहीं आए थे देखिए हमने कभी वादा नहीं किया था शराबबंदी का जी, जी। हमने कहा था कि आंशिक रूप से धीरे धीरे हम बंद करेंगे जी। इन्होंने सीधा सीधा जनता की आंखों में धूल झोंका है जी। आदरणीय सरोज पांडे जी ने वो वादा याद दिलाया है जी। इनको इधर उधर की बातें करने के बजाय सीधा जवाब देना चाहिए कि ये शराबबंदी करेंगे या नहीं करेंगे करेंगे तो कब तक करेंगे चलिए अगले रक्षाबंधन में अपन फिर बात कर लेंगे सरोज जी के पत्र के अनुसार फिर राखी जाएगी फिर बात कर लेंगे हुआ कि नहीं हुआ उपहार मिला कि नहीं मिला खैर समय समाप्त हो रहा है बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरानी साहब आपका आरती सिंह जी आपका और मनोज जी आपका हमारे चर्चा में शरीक होने के तो छत्तीसगढ़ में अब बंधन को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है वैसे इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है क्योंकि सरोज पांडे ने भूपेश सरकार से उनके जिस बड़े वादे को पूरा करने को कहा है उसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वादे तो रमन सरकार में भी पूरे नहीं हुए थे और केंद्र की मोदी सरकार ने भी जो वादे किए हैं उसे ज्यादातर अधूरे हैं क्या उसके लिए सरोज पांडे देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखेंगी देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस पर भावुक वार कर खुद को ही सवालों के घेरे में ले लिया है।